वैशाली जिले के लालगंज नगर क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित नगर स्वच्छता पदाधिकारी सृष्टि रानी की उपस्थिति में लालगंज नगर क्षेत्र के भगवान शंकर उच्च विद्यालय के प्रांगण छात्र एवं छात्राओं के बीच स्वच्छता को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित ने उपस्थित सभी बच्चों को यह बताया कि नगर परिषद लालगंज के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी की गई है, जिस नंबर पर शिकायत दर्ज की जाती है। अगर आपके आसपास कहीं नाला जाम है, साफ सफाई नहीं हो रही है या फिर नगर परिषद से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर 6 बजे शाम तक कार्यरत रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि मॉनसून की मौसम चल रही है, अपने आसपास कहीं भी पानी एकत्रित ना होने दे। पानी एकत्रित होने के बाद उसमें विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं तथा मच्छर की लार्वा आदि उत्पन्न होती है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। वहीं स्वच्छता मिशन के दौरान रंगोली कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 31 अगस्त को जिन जिन स्कूलों कॉलेजों में रंगोली कार्यक्रम कराया गया वहाँ के प्रतियोगियों की चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। किस प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। इसमें हम लोग को तरह तरह की एक्टिविटी करके अपने शहर के लोगों को ना सिर्फ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे, उनका सहयोग भी प्राप्त करेंगे और उनको मोटिवेट भी करेंगे। इसी क्रम में आज भगवान शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगंज वैशाली में हमारे कार्यालय कर्मियों के द्वारा, स्वच्छता पदाधिकारी के द्वारा एक कैंपेन का आयोजन किया गया, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, जहां स्कूल के बच्चों ने बेहतर तरीके से रंगों का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह के पर्यावरणीय एक्टिविटीज़ को रंगोली के माध्यम से दर्शाया है। इतने कम समय में, इतने कम संसाधन में और इतनी अल्प सूचना पर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया रंगोली ना सिर्फ इनके छोटे छोटे बच्चे के मनोभाव को प्रदर्शित करता है, बल्कि आने वाले समय में पर्यावरण के प्रति हमारा क्या रोल रहेगा और हम कैसे अपने लालगंज शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, उसके प्रयास में एक कड़ी है। अभी ये कार्यक्रम 31 अगस्त तक चलेगा, 31 अगस्त को इसका समापन होगा। जो अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी मेहनत किया है इस एक्टिविटी में, उनको नगर परिषद कार्यालय की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। सर, साफ सफाई के लेकर हमेशा जो है कंप्लेन रहता है नगर परिषद से लोगों का, अभी कुछ टोल फ्री नंबर वगैरह के बारे में बता रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? नगर परिषद लालगंज में सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है, जहां पे लालगंज नगर के वासी स्वच्छता से रिलेटेड या नल जल से रिलेटेड या किसी भी तरह के नगर पालिका से रिलेटेड जो भी कंप्लेन हो, उनको आप ऑनलाइन जो है वो टोल फ्री नंबर पर हमारे यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन का SMS अलर्ट उनको उनके मोबाइल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और छोटी समस्याओं का निदान 24 आवर में होगा। बड़ी समस्याएं रहेंगी तो 7 से 10 दिन में हम लोग उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि नंबर को मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाए और अभी नया नंबर बताया जाए 1800। ये नंबर है 1800208910। ये नगर परिषद लालगंज का टोल फ्री नंबर है। इस पर कोई भी आम पब्लिक फोन कर सकते हैं, पब्लिक किसी भी समय, स्पेशली सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये 12 घंटा कंटिन्यू काम करता है। इसके अलावा भी इसमें बैकअप सर्विसेज हैं कि कंप्लेन अलर्ट जाएगा तो फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपका कॉल आया था, और आपको SMS प्रदान करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपके समस्या के समाधान होने के बाद फिर आपको एक कॉल जाएगा और आपसे आपका फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर वो कंप्लेन क्लोज किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर हर वर्ष एक नया एक्टिविटी की जाती है, लेकिन वर्षों तक उसे देखा नहीं जाता है। जो है आपका कुछ दिनों की एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है जो पहले से है। तो इसमें कमी ये होती है कि सामाजिक जागरूकता जो एक्टिविटी होता है वो कुछ दिनों के लिए किया जाता है, फिर लोग उसे भूल जाते हैं। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है ये बस हम लोग कुछ समय के लिए नहीं करा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के हर स्कूल के माध्यम से जो जागरूकता अभियान है वो लोगों तक पहुँचे, और ये सिर्फ कम समय के लिए नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक लोग इससे सीखे और इसको अमल में। जैसे फॉगिंग मशीन वगैरह की भी बात की जाए कि बारिश से है, बारिश में फॉगिंग कराना, शहर में कहीं देखा नहीं जाता कि फॉगिंग हो रही है। कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे होती है, उसके बाद होती नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे, और हमारी तो यही हम लोग तो करा रहे हैं फॉगिंग।
मतलब मॉनसून के बाद खासकर फॉगिंग, चूंकि जो भी जमे हुए पानी उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं